अक्षय कुमार, जिनको सभी डायरेक्टर ग्रंटी कुमार कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स का कहना है कि जिस फिल्म में अक्षय कुमार होंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स का मानना ये था कि जिस फिल्म में अक्षय कुमार होंगे उस फिल्म की हिट होने की गारंटी पक्की है। लेकिन लगता है अक्षय कुमार की इस बात को किसी की नजर लग गई है, क्योंकि इस साल उनकी एक नहीं बल्कि चार चार फिल्में फ्लॉप हुई हैं, जिनमें शामिल है बच्चन पांडे, पृथ्वीराज चौहान, रक्षाबंधन और हाल ही में रिलीज हुई कठपुतली। सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई थी और अक्षय कुमार को पूरे 450 करोड़ का बड़ा झटका लगा था। और अब इतना बड़ा नुकसान देखने के बाद अक्षय कुमार वापस अपने पुराने किरदार में लौटने वाले हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जान बचे लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो कहावत अक्षय कुमार के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है। दरअसल अक्षय कुमार ने अब मूवीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया है और अक्षय कुमार वापस उसी किरदार में लौटने वाले हैं जिसमें लोग उनको देखना पसंद करते हैं। यानी कि अक्षय कुमार अब फिर से कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे। और इस बात का खुलासा किया है बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अक्षय कुमार के साथ एक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले हैं। इससे पहले अक्षय कुमार और प्रिया दर्शन की जोड़ी ने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे हेरा फेरी, भूल भुलैया, भागम भाग, गर्म मसाला। और अब अक्षय कुमार ने इतनी फ्लॉप्स देने के बाद वापस प्रिया दर्शन का दरवाजा खटखटाया है और ये अकल भी अक्षय कुमार को पूरा 400 करोड़ का झटका लगने के बाद आई है। खैर, आपको अक्षय कुमार की कॉमेडी अच्छी लगती है या फिर सीरियस किरदार, कमेंट्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।